जिला कारागार बहराइच का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान जिला जज बहराइच, जिला अधिकारी श्री शंभू कुमार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर व मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय उपस्थित रहे। 25 सितंबर को देवरिया सदर कोतवाली के सरकारी आवास में महिला कांस्टेबल जुलेखा खातून के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया है। मामले में मृतका के पिता की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने एक महिला कांस्टेबल सहित दो कांस्टेबलों के खिलाफ आत्महत्या करने के लिए उकसाने का केस दर्ज कराया है। पुलिस जांच में एक सिपाही वीरेंद्र कनौजिया को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। सरकारी क्वार्टर में मौत हुई थी। पुलिस ने एक महिला सिपाही, एक पुरुष सिपाही पे मुकदमा दर्ज किया है। क्यों मुकदमा दर्ज किया है, प्रथम दृष्टया में क्या उभर के सामने आया, पुलिस अब तक क्या उसमें कर रही है? इस जनपद में थाना बनकटा में नियुक्त एक महिला आरक्षी जो 7 दिन की छुट्टी पे थे 22 तारीख से, उसने मुख्यालय कोतवाली स्थित अपने सरकारी आवास में परसों आत्महत्या कर ली थी। इस संबंध में पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम से आत्महत्या किया जाना प्रमाणित पाया गया। उस जो हमारी महिला आरक्षी है, उसके परिवार वालों ने दो व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दिया है, जिसके तहत थाना कोतवाली में 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना, प्रेरित करना अपराध करने के लिए, इसके तहत मुकदमा कायम किया है। और इस संबंध में एक व्यक्ति को आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रकरण में विवेचना चल रही है, जैसे साक्ष्य जिस तरह के प्राप्त होंगे तदनुसार इसमें अग्रिम विधिवत कार्रवाई कराई जाएगी। यूपी के जहांगीराबाद में मानव सेवा संस्थान के तत्वाधान में नगर के शुभकामना मैरिज होम में चल रही 7 दिवसीय विशाल भगवत कथा में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी पड़ी है। क्षेत्र के विधायक संजय शर्मा व नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर सूरज भान माहुर भी भागवत कथा में पहुंचे और श्री मनु श्री महाराज जी के प्रवचन सुनकर उनके प्रयास से मेथरा वृंदावन में चल रहा निर्माणाधीन मंदिर के सपनों को साकार करने की कामना की और सहयोग करने का आश्वासन भी दिया। महाराज जी, आप जहांगीराबाद की धरती पे आए हो, आपका स्वागत है। जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं और क्या लक्ष्य है आपका? श्री राधे, मनुश्री मानव सेवा संस्थान के अंतर्गत ये जो पुनीत भागवत कथा जहांगीराबाद की पावन धरती के पितृमोक्ष के लिए हो रही है, ये सर्वजन कल्याण हेतु है। और इस कथा का जो मुख्य उद्देश्य है वो पितरों की शांति है। मनुश्री मानव सेवा संस्थान मानव मंदिर के निर्माण की ओर अग्रसर है, जो कि श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहा है। इस वृद्धाश्रम की एक विशेषता यह है कि जितने भी असहाय जन हैं उन सब के लिए वहाँ निःशुल्क स्थान है, रहना खाना आदि इत्यादि के लिए। और सारी कथाएँ मनुश्री मानव सेवा संस्थान के अंतर्गत जो हो रही हैं वो उसी प्रकल्प मानव मंदिर के लिए हो रही है, जिसमें सभी लोगों की जनभागीदारी, उनका सहयोग और उनकी कथाओं के माध्यम से जो लोग सहयोग कर पा रहे हैं उसके अनुसार इस मानव मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। सभी लोग पूरे हिंदुस्तान भर से, हिंदुस्तान के बाहर से इसमें सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रकल्प है और श्रीधाम वृंदावन में अपने आप में सबसे बड़ा प्रकल्प है। काफ़ी बड़ी 2 एकड़ भूमि में बनने जा रहा है और इस तरह की कथाएँ जो जहांगीराबाद में जिस तरीके से सुंदर श्रोता है, ऐसी ही ये कथा आगे बहती रहेंगी और मानव मंदिर का निर्माण सुंदरता से होता रहेगा, यही हम सब चाहते हैं और आप यही चाहेंगे। श्री राधे। भागवत कथा में शामिल हुए हैं, कैसे महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत भव्य यहाँ पर भागवत कथा का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और व्यास जी ने जिस तरह से भगवान कृष्ण की लीला का यहाँ पर लोगों को प्रसाद का वितरण किया है, बहुत सुंदर है। सब लोग इतने भाव विह्वल होकर के सुन रहे थे और सब लोग पूरी तरह से इसमें कथा में लीन। शुभकामना मैरिज होम में 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें हजारों की संख्या में महिला पुरुषों ने भाग लिया है और महाराज जी के विचार सुने हैं। कैमरामैन आदित्य गौतम के साथ सुल्तान अंसारी, चेयरमैन न्यूज, जहांगीराबाद, बुलंदशहर। पंडित दीनदयाल धाम में चल रहे 3 दिवसीय मेले में रात को बार बालाओं के अश्लील डांस कराए जाने का मामला सामने आया है, जिसकी कवरेज करने गए संवाददाता को अंदर नहीं जाने दिया गया। यही नहीं, अंदर से ताला लगाकर रखा गया और कहने पर भी ताला नहीं खोला गया।
जब बाहर लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अंदर लड़कियों का डांस चल रहा है। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त आदेश दिए हैं कि रात 10 बजे के बाद शादी पार्टी जागरण आदि किसी भी प्रोग्राम में डीजे बजाना अलाउड नहीं है। लेकिन यहां तो हाईकोर्ट के आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। भरतपुर से आए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, हमारे देश के अच्छे ईमानदार आदमी थे, उनके नाम पर ठगी कर रहे हैं, पहलवानों के हाथ मिलाते हैं। पहलवान काफी दूर दूर से आए हैं, हरियाणा, पंजाब, रोहतक, दिल्ली, मथुरा हमारी ब्रज भूमि है, मथुरा के अच्छे पहलवान रहे हैं, सब पहलवानों की बेइज्जती कराकर कमेटी पैसे लेकर भाग गई। तो सर आपका क्या हाथ मिलवाया था यहाँ पे? हाथ मिलवाया था कितने कितने का आ रहे हैं? पहलवान और चित्रा पहलवान और रामेश्वर पहलवान और संजय पहलवान। क्या फिर आपकी कुश्ती हो पाई? नहीं हो पाई, कुश्ती नहीं हो पाई है। तो सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहेंगे पहलवानों की बेइज्जती करते हैं पहलवान घर से, बहुत कहना क्या चाहेंगे कि कमेटी ठगी कर रही है, पहलवानों के नाम पे पैसा झाड़ रही है कि पहलवानों की कुश्ती नहीं हो रही है, और निकल गए बोल के हाथ मिलाया, कमेटी अपने घर पहुंच गई, पहलवान जा रहे थे और ना ही कोई कोच है ना कोई रेफरी है, और ऐसे ठगी करके पंडित जी के नाम पे दंगल लगेगा, दंगल लगेगा। जो हाथ में लाए थे कितने हजार की कुश्ती थी? कितने रुपए की? 21,000 की दो कुश्ती कराई थी, 31,000 की एक, 51,000 की एक, चार कुश्तियों के हाथ मिलवाए थे, किसी की कुश्ती नहीं कराई है, कमेटी पैसा लेके मौजूद है जिला मथुरा के कस्बा फड़े में, जो कि यहाँ पर 3 दिवसीय मेला चल रहा है। लेकिन इस मेले में यहाँ पर सबसे मेन बात यही है, यहाँ पर सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है कि यहाँ पर जो बालिकाओं का नृत्य तो हो रहा है, लेकिन जब हमने अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर जाने से साफ मना कर दिया, मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया। इससे साफ खैर होता है कि अंदर वास्तविक नृत्य किया जा रहा है, जो कि असली डांस किया जा रहा है। इसमें समय हमने अंदर जाने की कोशिश की तो अंदर जाने नहीं दिया, या कुछ लोगों उनसे हम जानकारी लगी, क्या बताएं आप अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे डांस हो रहा है, डांस हो रहा है, नाच कौन कर रहा है? लड़कियां डांस कर रही हैं, जैसा कि आगे लोगों कह रहे हैं कि लड़कियां डांस कर रही हैं, लेकिन जब मीडिया ने अंदर जाने की चाह तो मीडिया को जाने से रोका गया। एक तरफ तो हमारे जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये भी आदेश है रात के 11 बजे का 10 बजे बाद कहीं भी डीजे नहीं बजाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर डीजे खुलेआम बजाया जा रहा है। यहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी भी मौजूद है, लेकिन वो चीज पे कोई भी रोक नहीं लगा पा रहे हैं। सीएमए न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट मथुरा। सर आपका सर ये यहाँ पर जो दीनदयाल धाम में जो मेला चल रहा है, यहाँ पर डीजे बजे हुए, इसमें सर ये बताइए टाइम क्या हो रहा है इस समय? 11:30 बज चुके हैं, और देखो अब जब सब कुछ भी हो चुका है, पर डीजे बंद करने का कोई वो नहीं है, ना तो प्रशासन मोड़ बैठाएगा और ना तो कोई देखने वाला है, ना कुछ सुनने वाला है, मनमानी हो रही है। नहीं यहाँ पर क्या है, इस समय हम देख रहे हैं यहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी मौजूद है, प्लस क्या है एक तरफ तो यानी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है कि रात के 10 बजे के बाद कहीं भी डीजे बजना अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर डीजे बज रहा है। सर 11:30 बज चुके हैं, डीजे बज रहा है, अभी भी कोई देखने वाला नहीं, कुछ सुनने वाला। मोबाइल में दिखाएंगे यार टाइम क्या हो रहा है इसमें, मोबाइल में दिखाएंगे अपना। चलिए ठीक, बहुत अच्छे। बुंदेलखंड के महोबा जिले में किसान एक बार फिर दैवीय आपदा के शिकार हो गए हैं। अतिवृष्टि से खराब फसलें होने पर महोबा के किसान तबाही की कगार पर पहुंच गए हैं। बर्बाद फसलों को लेकर किसान अब बीमा व मुआवजे की मांग के लिए सरकारी सिस्टम के चक्कर लगा रहे हैं। आज किसान यूनियन के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने खराब फसल को हाथ में लेकर तहसील परिसर में प्रदर्शन कर तहसीलदार से मुआवजा दिलाने की मांग की। प्रतिनिधि आए हुए थे, उनके साथ में कुछ किसान थे, उन्होंने कुछ किसानों की समस्याओं से संबंधित ज्ञापन दिया था। जैसे कि जैसे इस समय बारिश वारिश चल रही है, उसमें किसानों की जो फसलें चौपट बर्बाद हो रही हैं, उसकी जांच करा के उनको उसका मुआवजा दिया जाए। फिर जो विद्युत विभाग वगैरह से जो आरसियां आई हुई हैं वसूली के संबंध है, उनको वापस करवाया जाए, और जो अन्य विभाग से जैसे बैंक्स वगैरह से है कुछ आरसियां आई हैं, उनकी मांग ये थी कि उनको वापस करवाया जाए। जो किसानों के लंबित प्रकरण हैं उनका जल्दी से जल्दी निस्तारण किया जाए, ये थे प्रकरण। भाई साहब किन मांगों को लेके आज सैकड़ों की संख्या में किसान तहसील परिसर में इकट्ठे हुए हैं, क्या मांगे हैं? देखिए अतिवर्षा की वजह से बुंदेलखंड के समस्त किसानों की जो फसलें थी, तिलहन दलहन मूंग उड़द, पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा न कोई सर्वे कराया जा रहा, न किसी किसानों को कोई आश्वासन दिया जा रहा जिससे उनको ढाढ़स हो, और हम लोगों का जो बीमा किया जाता है फसल नष्ट होने के बाद वो हम लोगों को नहीं प्राप्त होता, न सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया जाता, उसकी मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ हजारों की संख्या में अम्बेडकर पार्क में उपस्थित हुए हैं और अपनी किसानों की आवाज़
शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। किसान यूनियन यार, क्या शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम लक्ष्मीकांत त्रिपाठी है, मैं संगठन में जो है राष्ट्रीय संगठन प्रभारी के दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। भाई कितना नुकसान है, लगभग कितने बीघा फसल में कितना नुकसान हो? पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, कोई फसल शेष नहीं बची है। वर्षा की वजह से और बाढ़ से जल भराव की वजह से पूरी फसलें नष्ट हो गई है, कोई फसल शेष नहीं है जो किसान उसको जो है अपने घर ले जा सके। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में जिलाधिकारी आंजनेया कुमार ने गांधी समाधि पर दीप प्रज्वलित कर मतदाता जागरूकता का संदेश दिया। जिलाधिकारी आंजनेया कुमार सिंह की उपस्थिति में गांधी समाधि स्थल पर बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां एवं स्वास्थ्य विभाग की आशाओं द्वारा भारी संख्या में दीप प्रज्वलित करके आमजन को मत अधिकार के साथ ही स्वास्थ्य सुपोषण एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। जी, हम काफ़ी लंबे समय से स्वच्छता पे कुपोषण के खिलाफ और संचारी रोगों के लिए लगातार हम एक अभियान चला रहे हैं। काफ़ी समय, लंबा समय हो गया, पहली तारीख से हमने शुरू की थी और इसको लगातार अभी भी हम जारी किए हैं। और उसमें चूंकि रामपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव निर्धारित हो गया है तो उसके लिए मतदाता जागरूकता के लिए भी इसको हम कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी से सीधे जुड़ी हुई, हमारे भविष्य से, हमारे बचपन से, हमारे बच्चों से जुड़ी हुई, हमारी महिलाओं और बच्चियों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए हम इसको लगातार लोगों के बीच में संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्वच्छता रखें और ध्यान दें बच्चों का, महिलाओं का, बच्चियों का, कि किसी भी तरीके से वो कुपोषण का शिकार ना होने पाएं, ताकि हमारी अगली जो हमारा नया जनरेशन, आने वाला जनरेशन या जो हमारा जनरेशन अभी जो बच्चे हैं वो हमारे स्वस्थ रहें, बेहतर दिमाग उनका रहे, ताकि वो भविष्य के अच्छे भारत का निर्माण कर सकें। और साथ ही रामपुर विधानसभा के सारे मतदाताओं को ये संदेश है कि जो आगामी विधानसभा का चुनाव होने वाला है उसमें काफ़ी उत्साह से भागीदारी करें, और वो भी समाज की बेहतरी के लिए एक बड़ा कदम है। अभी तक पिछला लोकसभा चुनाव हमने बहुत बेहतर तरीके से मतदाताओं का की भागीदारी ली और उससे हमने चुनाव को निभाया है। आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा उपचुनाव में सारे मतदाता भारी संख्या में आएंगे, सोच समझ के मतदान करेंगे, और उसी तरीके से जैसे हम बेहतर भविष्य के लिए ये अभियान चलाए हुए उसी तरह से बेहतर भविष्य के लिए वो अपना मतदान करेंगे। नादोदी के गांव कस्बा शहर में सरपंच की तानाशाही से परेशान लोगों ने कब्रिस्तान बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष सलीम खान के नेतृत्व में ग्राम पंचायत सरपंच सचिव के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि मुस्लिम समाज के कब्रिस्तान की भूमि पर सरपंच पिता द्वारा गलत तरीके से चार दीवारी का निर्माण कराया जा रहा है, जिसको लेकर मुस्लिम समाज में काफी रोष व्याप्त हो चुका है। सरपंच ने रातों कुंती से 14 में खोद दिया और हमारी हमको कोई सूचना नहीं मिली है, और हमको सूचना दी है जब तक पूरी मतलब रातों रात 14 में खोद के और रह गए। हमारी कबर है, 6 है पूरी मतलब टूटी हुई है, हड्डी बाहर निकली हुई दही देखे हो, और सरपंच को खे तो सरपंच बोलता है पूरी है ये, और हमारी जमीन को हड़पना चाहता है। 29 की जगह 14 में करना चाहते हैं। हाँ, 14 में करना चाहता है, 15 को लाभने के लिए तैयार है। मैं सलीम खान, कब्रिस्तान बचाओ संघर्ष समिति का अध्यक्ष, शहर पंचायत के खिलाफ हमारी जमीन कब्रिस्तान की 0.029 है, उसके अक्टूबर में पटवारी ने सीमा ज्ञान किया तो हमारे आदमी मौजूद थे, पटवारी के आदमी मौजूद थे। नवंबर में रात को सरपंच द्वारा 14 में कब्रिस्तान की बुनियाद खोदी गई, जिसके बारे में हम कलेक्टर साहब से मिले, हमने मुख्यमंत्री को 1/18/19 को फैक्स भेजा, इसके बाद में 22/5/19 को फैक्स भेजा, कलेक्टर महोदय को 17/1/19 को फैक्स भेजा, जिला कलेक्टर नांती को 17/1/19 को फैक्स भेजा, फिर हम तहसीलदार SDM से मिले, SDM ने तहसीलदार को आदेश किया, तहसीलदार कमेटी यहाँ आई, कमेटी ने मौका मुआयना किया, इसमें तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी, सरपंच, सेक्रेटरी और हम मौजूद थे। इसमें तहसीलदार ने हिदायत दी सरपंच और विकास अधिकारी को कि आप सीमा ज्ञान पर ही अपने नीम खोदें और इसका कार्य करवाएं और इसको भरवाएं, लेकिन और हम प्रशासन कहें कि हमारी खबर क्षतिग्रस्त है, कंकाल पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन के ऊपर खबर देते हैं कि कोई खबर क्षतिग्रस्त नहीं है, तो इसके लिए हम आज
ये इकट्ठे तो हैं, हमारी मांग है हम जिला कलेक्टर से मिले करौली, उन्होंने भी एसडीएम को बोल दिया है, एसडीएम ने कमेटी बनाई, वो इसमें विकास अधिकारी आया, उसने कहा कि ये जमीन यही है और इससे मतलब पूर्ति नहीं हो सकती है, तो 3 लाख रुपए लगा के और 2 लाख रुपए खाना चाहते हैं, 5 लाख का सेक्शन है और 29 एयर हमारी जमीन है। तो वो 29 एयर के बजाय आपको कितनी 29 एयर की जगह हमारे 14 एयर में बुनियाद खोदी गई है, वो जमीन को हड़पना चाहते हैं, ये जमीन को हड़पना चाह रहे हैं और 3 लाख पैसे को हड़पना चाहते हैं।